Okay, you are given a good question in this topic. We solve this. Okay. तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ से आपको एक बात पता चलेगा, पहले इसमें सीरीज और पैरेलल फाइंड करना पड़ेगा, कौन से पॉइंट्स पे सीरीज है कौन सा पैरेलल है, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ से ये और यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से, ये आपको तो देखेंगे, ये पॉइंट यहाँ से आता है, ये आपको मिलेगा आपको यहाँ से पैरेलल, ठीक है, कैसे, क्योंकि पैरेलल का क्या होता है, स्टार्टिंग एंडिंग सेम होता है, क्योंकि ये पॉइंट को खींचकर हम अगर यहाँ ला दे ना, इसको यहाँ ला दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जहाँ तक रेजिस्टेंस नहीं है वहाँ तक आप वायर को खिंचका सकते हैं। तो देखिए इसका जो हम डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको, देखिए नया वाला, तो इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट ये है और फिर ये, आपका डायग्राम ये हो जाएगा इस तरीके से, दैट इज पी पॉइंट एयर, ठीक है। देखिए इन दोनों पॉइंट को ना हम यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे जो है ओ को मान लेते हैं, ओ है, ठीक है, और यहाँ से आप एक रजिस्टर यहाँ डाल दीजिए, एक यहाँ डाल दीजिए, ठीक, इस तरीके से। तो ये जो बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है, ये पॉइंट वाला ये 8 और 2 वाला बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अब आप चाहे तो यहाँ पे और ये फिर यहाँ से, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो बनेगा आपका ये 8 और 2 वाला जो है ये पैरेलल आ जाएगा, ये 4 और 6 वाला भी पैरेलल आ जाएगा, ठीक है, और ये पैरेलल हो गया एक नया बन जाएगा। तो ये 3 है, इसको मैं स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको ये कैसे सॉल्व होगा। ये 4 है एंड ये 6 है और ये 6 है, ठीक है, इसको अगर हम स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करें तो फिर देखिए 8 और 2 पैरेलल लगा, तो 8 और 2 पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, इसको एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये तो 3 रहेगा, ठीक है, देखिए 8 और 2 आपको मिलेगा 8 × 2 / 8 + 2, तो 8 + 2 10 आ जाएगा, मतलब 16 / 10 1.6 आएगा ये, ठीक है, ये दोनों मिला के, ठीक है, अब कितना आने वाला है, ये दोनों मिला के 1.6 आने वाला है, तो दैट इज 1.6, ठीक है, और ये 4 और 6 मिला के 4 × 6 / 10, ठीक है, तो ये 2.4 आएगा, ठीक है, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, तो यू विल गेट द रेजिस्टेंस दैट इक्विवेलेंट टू पैरेलल। तो ये तो आपका आ गया 1.6 और ये दूसरा आएगा आपको यहाँ पे 2.4 और ये नीचे में 6 है, ठीक है, तो ये होगा बी पॉइंट, ए पॉइंट, और यहाँ पे 3 दे रखा है और यहाँ पे 6 दे रखा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे फिर आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो आपको मिल जाएगा 1.6 एंड 2.6, दैट इज 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से अगर 3 हो गया ऊपर में, ये हो गया आपको यहाँ से, अगर इसको सॉल्व करें तो दैट इज 4 और नीचे वाला 6, ठीक है। देखिए आप दो दो करके सॉल्व कर सकते हैं, 3 और ये 6 का रिजल्टेंट आई थिंक 2 आएगा, और 2 और 4 को फिर से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो या फिर आप एक ही साथ कर लीजिए तीनों, कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों तो पैरेलल दिख रहा है आपको, ए एंड बी वाला, ठीक है, इसको पैरेलल निकाल लीजिए, 1/3 + 1/4 + 1/6, दैट इज 1/r इक्विवेलेंट आएगा। तो इसका एलसीएम 3, 4, 6 का 12 आएगा, ये 4 + 3 + 2 9/12 कटेगा आपको यहाँ से, 3/4 आएगा ना, तो आर इक्विवेलेंट जो आपको 4/3 आएगा, ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ए और बी के बीच का जो मतलब रेजिस्टेंस आएगा दैट इज 4/3 है, ओम आएगा, और ये आंसर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं क्या क्वेश्चन। ठीक है, ए पार्ट तो हमने सॉल्व करा है, अब बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर ज्वाइन इन द सीरीज 8 ओम एंड द पैरेलल 1.5 ओम, सो दैट रेजिस्टेंस 6 ओम एंड 2 ओम रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब कहना चाह रहा है कि जब दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, R1 एंड R2, इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो ये 8 आता है, ठीक है, एंड जब पैरेलल इसको जोड़ते हैं तो 1.5 आता है, मतलब 1/R1 + 1/R2 करके जोड़ते हैं तो ये 1/1.5 आएगा, ठीक है।
इस तरीके से, क्योंकि पैरेलल में तो वन अपन करके आता है ना, तो इस तरीके से है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो देखिए दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, फिर ये पॉइंट वाले के ऊपर में टेन आएगा, चाहे तो फाइव से डिवाइड कीजिए, फाइव टू जो टेन, फाइव थ्री जो फिफ्टीन, तो वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू इक्वल टू टू अपन थ्री, दैट्स वॉट वी रिक्वायर्ड है। इसका अगर हम एलसीएम लेके बनाते हैं तो ये आपका वन बाय आर वन आर टू एलसीएम आएगा, ये आपको आर वन प्लस आर टू आएगा, ठीक है, इस तरीके से इक्वल टू टू बाई थ्री। फिर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है, आर वन प्लस आर टू का वैल्यू जो हमें ऐड दे रखा है, ठीक है, देख लीजिए ये ऊपर में जो आर वन प्लस आर टू है इसका वैल्यू ऐड दे रखा है, तो ये हम पुट कर लेते हैं वहाँ से, तो यहाँ से एट बाई आर वन इंटू आर टू इक्वल टू टू बाई थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आर वन इंटू आर टू जो आपको आएगा यहाँ पे ट्वेल्व आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद कैसे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फिर टू से डिवाइड कीजिएगा, तो ये तो आई थिंक आपको मैथ आता होगा, ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखिए आर वन प्लस आर टू कितना है, मेरे पास दिया हुआ एट है, ठीक है, और आर वन प्लस आर टू दिया हुआ है एट है, एंड आर वन इंटू आर टू जो है ट्वेल्व है, तो आप सीधे से कह सकते हैं दो नंबर ऐसा है जोड़ने पर आठ आता है, मल्टीप्लाई करने पर ट्वेल्व आएगा, तो सिक्स एंड टू हो सकता है, लेकिन आप अगर कन्फर्म करना चाहें तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर इक्वल टू आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर और ये प्लस का फोर आर वन आर टू। आप ये फॉर्मूला पढ़ेंगे जूनियर क्लासेस में या फिर नाइन्थ में, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी, दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यू गेट हियर एट स्क्वायर एंड आर वन माइनस आर टू हमें फाइंड करना है, प्लस फोर इंटू, अच्छा आर वन इंटू आर टू का वैल्यू हमको ट्वेल्व दे रखा है, ठीक है, तो सिक्सटी फोर, अच्छा इसको इधर लाते हैं तो फोर्टीन एट, फोर्टी एट आ जाएगा यहाँ पे ना, इक्वल टू आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको फोर्टीन माइनस एट सिक्स एंड वन सिक्सटीन इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा और सिक्सटीन का रूट फोर होता है, ठीक है, ये बात आपको पता है, रूट सिक्सटीन इक्वल टू फोर, देन फोर इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, ठीक है, तो आपको ये दूसरा क्वेश्चन आ गया आर वन माइनस आर टू इक्वल टू फोर, इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं, एंड आर वन प्लस आर टू जो है आपको गिवन नहीं है एट है स्टार्टिंग में, तो दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ये कट जाएगा टू आर वन इक्वल टू ट्वेल्व, देयर फोर आर वन इक्वल टू सिक्स, ठीक है, आर वन सिक्स आ गया आपको, तो आर टू निकाल सकते हैं किसी एक में वैल्यू पुट करके, यू विल गेट वैल्यू दैट इज टू, तो एक तो छः आएगा एक दो आएगा, ठीक है, तो इस तरीके से कहा कि प्रूव करने के लिए सो दैट वन इज सिक्स ओम एंड अदर इज टू ओम, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं सिक्स ओम एंड टू ओम इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर टेन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, सॉरी ये टेन ही था, तो हम फिर नेक्स्ट इलेवन की ओर चलते हैं, इलेवन में क्या है वो देख लेते हैं, ओके लेट्स सी हियर, तो क्वेश्चन नंबर इलेवन में दे रखा मेरे पास यहाँ पे, देखिए एक नेटवर्क इस तरीके से हमको निकालना है इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, इस तरीके से, तो पहले हमको यहाँ पे सीरीज और पैरेलल ढूंढना है, कहाँ पे सीरीज बनना है कहाँ पे पैरेलल बनना है, तो आप देखेंगे यहाँ से ये पार्ट है ना, यहाँ से ये तीनों सेम करंट यहाँ से यहाँ फॉलो होगा, तो ये तीनों क्या होगा सीरीज में होगा, ठीक है, टू 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 ये तीनों जो है सीरीज में होगा, ठीक है, फिर इसके बाद ये जो है इसको हम डायग्राम बना के एक एक करके आपको बता दें, तो आइदर तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ऑर्डली सॉल्व कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से आपको एक एक स्टेप बनाना पड़ेगा एक स्टेप बाई स्टेप, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है, टू ओम हो गया यहाँ पे, ये सिक्स ओम है एंड दिस इज टू एम, उसके बाद ये भी टू एम है, यहाँ पे आपको टू एम मिलेगा एंड ये टू एम यहाँ से टू एम, तो देखिए आपको ये तीनों सीरीज मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से ये तीनों जो यहाँ से यहाँ से ये तीनों एक सेम करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये तीनों सीरीज हो जाएगा, ठीक, तो सीरीज में टू प्लस टू प्लस टू दैट इज सिक्स, ठीक है, इसको एक नेक्स्ट स्टेप फिर बना लेते हैं हम यहाँ पे, दैट इज
टू ओम था ये, उसके बाद ये तो सिक्स ही है और यहाँ से टू है, ये सिक्स ओम है। और यहाँ पे जो है देखिए टू 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 ये सिक्स आ जाएगा टोटल, यहाँ से आता ठीक है, इन तीनों को ऐड करें तो सिक्स ओम हो जाएगा। तब देखिए ये सिक्स वाला और ये सिक्स वाला ठीक है, तो हम बात करें यहाँ पे तो ये ब्लैक वाला ठीक है और ये ब्लू वाला दोनों पैरेलल आ जाएगा ठीक है, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग एंडिंग सेम है। तो इसको हम फिर से अगर हम रीड्रॉ करें ठीक है यहाँ पे, तो ये आएगा मेरे पास ये टू ओम एंड ये सिक्स एंड सिक्स पैरेलल में होगा ठीक है, तो सिक्स एंड सिक्स पैरेलल में कितना आएगा थ्री आ जाएगा ठीक है। अगर दोनों सेम टाइप का हो रेजिस्टेंस और दोनों पैरेलल हो तो उसका आधा हो जाता है, तो ये हो जाएगा थ्री ओम। अब देखिए अब टू थ्री टू ये क्या आ जाएगा, फिर से आ गया सीरीज में ना, क्योंकि सेम करंट फ्लो होगा, आपको पता होगा सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है ठीक है। तो इस तरीके से इसमें सेम करंट फ्लो होगा तो ये आपको बन जाएगा टू प्लस थ्री प्लस टू, तो दैट इज सेवन एम ओम, तो ये का फाइनल आंसर होगा सेवन एम ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई बड़ा नहीं था इसमें सवाल, ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ में, देखिए क्या है।